अस्सलाम वालेकुम आज हम ऑक्सफोर्ड की न्यू काउंटडाउन बुक फोर जो कि इसका जिसका थर्ड एडिशन है उसका यूनिट सेवन हम कर रहे थे ज्योमेट्री और उसका अब हम उसकी दूसरी एक्सरसाइज के लिए समझने की कोशिश करेंगे जो कि एंगल्स के ऊपर है बहुत मज़े का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो शुरू करते हैं सारा हैज़ अ ब्यूटिफुल ज़ फैन जैपनीज़ फैन क्या होता है वो जो कागज़ का होता है ना बंद हो जाता है उसको खोलते हैं तो खुलता चला जाता है तो देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा जैपनीज़ फैन तो सारा के पास बड़ा ब्यूटीफुल जैपनीज़ फैन है लेटस्ट सी सी स्लोली ओपन्स अ फैन चलें देखते हैं कि क्या होता है जब वो आहिस्ता आसा अपना फ़ैन खोलती है तो देखें थोड़ा सा खुला फिर थोड़ा सा और खुला फिर थोड़ा सा और, थोड़ा सा और खुल गया एज़ सार्स वन आर्म ऑफ द फ़ैन द गैप बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द फ़ैन इनक्रीजेज जब वो एक आर्म को खोल रही है फ़ैन के तो उनके दरमियान फ़ासला बढ़ता जा रहा है अगर मैं यहाँ छोटी सी बल्कि मैं यहाँ दिखा दूँ आपको तो देखिए कि पहले फ़ैन का फ़ासला ऐसा होगा फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा खुला होगा तो ऐसे हो गया होगा फिर थोड़ा सा और खुल गया तो ये ऐसे हो गया ठीक है तो जैसे जैसे फ़ैन खुलता जा रहा है फ़ैन की दोनों साइड्स के दरमियान फ़ासला बढ़ता जा रहा है ठीक है वापस आते हैं इस पर वी यूज़ अ स्पेशल वर्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ़ टर्न बिटवीन टू आर्म्स किसी दो ऐसे आर्म जो एक कोने से जुड़े हुए हों उनके के दरमियान फ़ासले को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके दरमियान टर्न को खुलने को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ख़ास नाम इस्तेमाल करते हैं और दर टू रेज हैव कॉमन एंड पॉइंट दो ऐसी रेज जिनके एंड पॉइंट सेम हो इनके के दरमियान के इस टर्न को इस घूम के साथ घूमते हुए खुलने को जैसे पहले यहाँ थी फिर थोड़ी सी और घूमी फिर ये थोड़ी सी और घूमी फिर ये थोड़ी सी और घूम गई तो घूमते घूमते जो खुली है इस घूमते हुए खुलने के इस टर्न के साइज़ को हम एक ख़ास नाम से रेफर करते हैं एंड दैट स्पेशल वर्ड इज़ एंगल ठीक है ये ख़ास नाम क्या है एंगल है तो एंगल आपको कुछ समझ में आया तो वापस देखिए इधर देखिए कि अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है इन दोनों के फ़ासले को एंगल नहीं कहेंगे ना एंगल कब कहते हैं जब दो कोई लाइन या रेस एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पर जुड़ी हुई हो और अब जब ये खुलेंगी और इस पॉइंट पे फिक्स रहेंगी तो जैसे जैसे खुलती जाएंगी ये दूर वाला फासला तो बढ़ता जाएगा और करीब वाला फ़ासला सेम रहेगा तो इस तरह से खुलने को टर्न करना कहते हैं ठीक है तो अब जो इनके दरमियान फासला होगा इसको नापने का जो स्टाइल है वो है एंगल ठीक है तो क्या लाजमी है किन दो चीज़ों के दरम्यान हम फासले को एंगल कहेंगे ऐसी दो रेज़ ऐसी दो चीज़ें जो एक एंड से जुड़ी हुई हों और दूसरे एंड से खुली हों ठीक है भाई बात समझ आ रही है वी कैन से दैट एन एंगल इज़ दी अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस और रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट एक्जैक्टली जो मैंने कहा था वो इन्होंने अंग्रेजी में बता दिया कि दो तो, रेज या लाइंस जो हैं जो एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ी हुई हों उनके दरमियान के फासले को एंगल के जरिए से नापा जाता है द टू रेज आर कॉल्ड दी साइड्स और आर्म्स ऑफ द एंगल्स ये दोनों रेज क्या कहलाती हैं ये दोनों रेज साइड्स कहलाती हैं है, आर्म्स कहलाती हैं इस एंगल की देखें ये एंगल कहलाएगा ये एक आर्म है

अच्छा इसकी तफसील में जाने के बजाय जो कि मैंने पूरा समझा दिया वो हो गया एक बात याद रखिएगा जब भी कहीं हम एंगल का मेजरमेंट लिखेंगे तो हम उसके साथ एक छोटा सा सर्कल लगाएंगे और इसको कहते हैं डिग्री कितने डिग्री में एंगल नापा जाता है ठीक है जैसे कि सेंटीमीटर के आगे सी लिखते हैं तो इस तरह से एंगल जब मेजर करते हैं तो उसके आगे डिग्री लगाते हैं ठीक है अब यह इस से और बातें समझ में आएंगी अब देखिए कुछ एग्ज़ैम्पल्स उन्होंने दी हैं यहाँ पर के एल एक रे है एल एम एक रे है उनके दरमियान जो फ़ासला है उसके जो जो टर्न है उसको उन्होंने एंगल से रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसको लिखने का अंदाज़ क्या है अगर आप इस एंगल के बारे में बात करना चाहते हैं कि वो एंगल जो के एल और एल एम के दरमियान है तो हम लिखते हैं के एल एम और उससे पहले ये एक एल साइन बनाते हैं ठीक है ये लेस देन का साइन ये है एंगल का साइन ठीक है द आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर के एल एंड एल एम इनके ऊपर रेज बनी हुई है एंड एल इज़ द वर्टेक्स और एल पे ये, वर्टेक्स है तो जब भी आप कहेंगे मुझे एंगल का नाम बताना है तो आप एल के एम नहीं बोलेंगे आप हमेशा जिस जो जिस जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है उसको नाम को नाम के बीच में रखेंगे तो उसको के एल एम बोल सकते हैं या एम एल के दोनों बोल सकते हैं लेकिन एल हमेशा बीच में आना चाहिए जैसे यहाँ पे पी क्यू आर हो सकता है आर क्यू पी हो सकता है दोनों नाम ठीक हैं लेकिन क्यू पी आर नहीं हो सकता जो बीच में आता है वो वर्टेक्स होती है तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है पी क्यू आर ठीक है ये एक एंगल है जिसके आर्म्स क्या हैं पी क्यू और क्यू आर और जिसके जो क्यू है उसका वर्टेक्स है ठीक है मुख्तु टाइप्स के एंगल्स होते हैं अब वह एंगल्स की टाइप्स क्या होती हैं वो बजाय छोटी छोटी डायग्राम के मैं थोड़ा सा खुला खुला बता देता हूँ आपको अपने पास बना के फिर मैं वापस बुक में ले जाऊँगा तो देखिए कि ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है ठीक है अगर दो लाइंस आपस में इस तरह से हों कि एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और दूसरी बिल्कुल वर्टिकल है तो इस एंगल को कहते हैं राइट एंगल ठीक है और राइट एंगल की डिग्रीज़ कितनी होती हैं राइट एंगल की 90 डिग्रीज होती हैं तो राइट एंगल हमें अपनी ज़िंदगी में हर जगह दिखता है जैसे कि हमारी ज़मीन ज़मीन के ऊपर खड़ी दीवार इन दोनों का राइट एंगल का रिलेशनशिप है उपर, हमारी दीवार के ऊपर हमारी छत इनका राइट एंगल का रिलेशनशिप है फिर एक दीवार के साथ साथ दूसरी दीवार का खड़ा होना तो ये दूसरी दीवार पहली दीवार और दूसरी दीवार कमरे की जो होती है इनके बीच में राइट एंगल होता है ठीक है तो राइट एंगल हमें जगह जगह दिखता है हमारी टेबल और टेबल की टाँगें तो टेबल की टांगें जो हैं वो राइट एंगल पे होती हैं ठीक है तो ये टांगें टेबल और टेबल की टाँगों के दरमियान राइट एंगल होता है तो जगह जगह हमें राइट एंगल का सामना करना पड़ता है जो चीज़ें जो एंगल राइट एंगल के मुकाबले में थोड़ा कम होगा जब फासला राइट एंगल के मुकाबले में जो कि 90 डिग्री है इससे कम होगा जैसे कि 89, 79, 60, 70, 50, 40, 30, 20, 11, 17, 19, जो भी एंगल 90 से कम होगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा या और ऐसा बनेगा या और छोटा बनेगा फासला 90 से कम होगा इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ठीक है और जब 90 से बड़ा होगा तो कुछ ऐसा बनेगा देखिए ये 90 है ना तो अब 90 से बड़ा कैसा होगा तो ऐसा कुछ बनेगा और बड़ा बना देते हैं ठीक है अच्छा लाइन सीधी नहीं बने कोई बात नहीं तो ये सारे एंगल्स जो 90 से बड़े होते हैं जो जैसे कि जैसे वन 91, 92, 93 से लेके और आप 101, एंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी हंड्रेड थर्टी से बड़े एंगल्स को ऑप्टिज़ एंगल कहते हैं ठीक है 90 राइट right एंगल 90 से बड़ा एक्यूट एंगल 90 से छोटा एक्यूट एंगल 90 से बड़ा ऑप्टीज़ एंगल अब एक एंगल और है वो क्या है जी अगर दो रेज ऐसी हैं कि एक रे ऐसी जा रही है और एक रे ऐसी जा रही है आपने क्या बोला ये कौन सा है ये राइट एंगल है नाइन्टी हो गया एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसी जा रही है ये क्या हो गया आपने कहा ये जी ये जो है वो एक्यूट एंगल है एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे निकल गया ये नाइन्टी से बड़ा हो गया आपने कहा जी ये ऑब्ट्यूज एंगल है एक रे ऐसी जा रही थी यहाँ पे ख़त्म हो रही थी पॉइंट क्यू ले लें इसको पी ले लें दूसरी रे शुरू हुई यहाँ से क्यू से शुरू हुई और निकल गई दूसरी तरफ लो भैया अब इनके दरमियान जो एंगल होता है इसकी मेजरमेंट करें ना तो ये 180 डिग्री होता है ये 90 का डबल हो गया देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना फासला था उतना ही यहाँ से यहाँ तक का फासला है तो ये भी 90 है ये भी 90 है दोनों मिला के कितना हो गया 180 इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल ठीक है स्ट्रेट लाइन बन गई स्ट्रेट एंगल ये तो आ, बहुत ही आसान है एक और एंगल है वो क्या है कि जब भी किसी एंगल को आप इस तरफ़ से नापते हैं इन दो लाइनों के दरमियान का टर्न यहाँ से नापते हैं तो एक तो आपने इसको एक्यूट कह दिया इसको अप्यूज़ कह दिया इसको राइट कह दिया एक और तरीका है इनको नापने का वो ये कि बाहर से अगर नापें तो भी तो एक एंगल बन रहा है तो भी तो एक टर्न बन रहा है या यूँ कह लें कि ये रे थी एक दूसरी रे आई वो यहाँ से शुरू हुई मुड़ना एक दरवाज़ा है वो यहाँ से खुलना शुरू हो रहा है तो अभी एक्यूट सिचुएशन में है दरवाज़ा ठीक है ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है अब आप बोलेंगे सर अब ये राइट एंगल में आ गया है हाँ भैया ये, ये राइट एंगल नाइन्टी डिग्री हो गया अभी भी दरवाज़ा खुलता जा रहा है बट बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है भाई खुलता जा रहा है खुलता जा रहा है हंसी क्यों आ रही है <sh> pyth, <masa humanos> खुलता जा रहा है खुलता जा रहा है आप कह रहे हैं सर ये अभी ये दरवाजा अब ट्यूज़ हो गया है अब ये बड़ा हो गया है नाइन्टी से ठीक है भाई सही है दरवाजा खुलता जा रहा है खुलता जा रहा है सर अभी दरवाज़ा स्ट्रेट हो गया है अभी भी दरवाज़ा खुलता जा रहा है अब देखिए ये वन से भी बड़ा हो गया ये एंगल यहाँ से देखें तो ये वन से ही बड़ा हो गया तो ऐसा एंगल जो वन से ही बड़ा हो जाए उसको रिफ्लेक्स कहते हैं क्या कहते हैं रिफ्लेक्स और कभी भी दो लाइनों के दरमियान हम जब भी हम देखेंगे तो जो भी दो लाइनें बनेंगी उनके दरमियान जब भी एंगल देखेंगे तो एक तरफ से अंदर से देखेंगे तो एक एंगल दिखेगा और उसके बाहर से देखेंगे तो दूसरा बड़ा सा एंगल दिखेगा तो अंदर अगर एक्यूट है तो बाहर रिफ्लेक्स है अंदर अगर अपट्यूज़ है तो बाहर रिफ्लेक्स है तो एक तरफ एक एंगल होता है उसके बाहर से देखें तो दूसरा एंगल हमें रिफ्लेक्स दिख ही जाता है तो रिफ्लेक्स की वैसे क्या डेफिनीशन हैं ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बना के दिखा दी अब जल्दी से पढ़ लेते हैं समझ में आ जाएगी बात तो ये दीजिए यकी इन्होंने बताया हुआ एक राइट एंगल है एक एक्यूट एक एंगल है एक अप्यूज़ एंगल है एक स्ट्रेट एंगल है एक रिफ्लेक्स एंगल है देखें रिफ्लेक्स इतना बड़ा सा खुला हुआ है ठीक है तो अब आपने इन्होंने बता दिया टर्न वन ऑफ द स्ट्राइप टू टू मेक अ राइट एंगल ये देखिए राइट right एंगल बनाया हुआ है ये देखिए राइट एंगल है बस फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने समझा तो दिया है ये देखिए नाइन्टी से कम है तो ये ये एक्यूट एंगल है अब ये कहीं भी कम हो सकता है यहाँ भी हो सकता था यहाँ भी हो सकता था यहाँ भी हो सकता था ठीक है इसी तरह से आप ये देखिए अब ट्यूज़ एंगल है नाइन्टी से बड़ा भी कहीं भी हो सकता था नाइन्टी से बड़ा हो लेकिन वन एटी से छोटा हो ठीक है तो अब ट्यूज़ एंगल है और ये देखिए स्ट्रेट एंगल है पी क्यू और क्यू आर के दरियान ये स्ट्रेट एंगल है अच्छा जी और आगे चलते हैं ये जी देखिए ये इन्होंने ये एक अपट्यूज़ एंगल बनाया हुआ है उसके पीछे का हिस्सा रिफ्लेक्स एंगल है ठीक है तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो वन एटी से बड़ा होता है अब एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं एंगल्स को नापते कैसे है? ये कैसे पता चलता है नाइन्टी है नाइन्टी वन है नाइन्टी टू है नाइन्टी थ्री है नाइन्टी फाइव है नाइन्टी सेवन है सिक्सटी फाइव है सिक्सटी टू है सिक्सटी थ्री है तो भाई ये पता चलता है एक एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको कि हम कहते हैं प्रोटेक्टर ठीक है प्रोट्रैक्टर अब उसको अगर अच्छे से बोलेंगे तो आप यूँ भी बोल सकते हैं प्रोट्रैक्टर ठीक है तो इसका नाम है प्रोट्रैक्टर प्रोट्रैक्टर अच्छा तो बाज़ हमारे यहाँ बच्चे इसको खाली डी भी बोल देते हैं आसानी के लिए भाई ये डी लाना भाई डी देना ज़रा क्योंकि इसके शेप डी जैसी होती है ना ये ये सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल होता है तो इसके ऊपर ना आप गौर से देखें ज़रा कि इसके ऊपर ना इन्होंने सारी मेजरमेंट्स सीखी हैं बाहर की साइड से देखें ये बाहर की साइड है बाहर की साइड से ज़ीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी, फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइनटी हंड्रेड और से देखे वन एटी तक और अंदर की साइड पर इधर से शुरू किया जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी लग वन एटी तक और देखें इसके बीच में भी मोटी मोटी लाइन है टेन जीरो और टेन के बीच में ये मोटी लाइन है ये फाइव को रिप्रेजेंट है तो जीरो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी और अगर कोई देखना चाहे तो उसके भी बीच में बारी ब्रेक लाने हैं तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टी फोर्टी फिफ्टीन तो दिस मीन्स कि एक एक डिग्री तक आपको नापने का आला मिला हुआ है आप एक डिग्री का फ़र्क नाप सकते हैं लेकिन आपकी क्लास में इतना इतना बारीक जाके आपको नापना नहीं पड़ेगा आपको बस टेन ट्वेंटी थर्टी में नापना पड़ेगा या कहीं कहीं फ़ाइव फाइव का भी डिफरेंस आ सकता है ठीक है एक बात तो ये समझ ली दूसरी बात यह है कि इसमें लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से अलग अलग क्यों दिया हुआ है तो मैं आगे आपको समझा देता हूँ और इसको जो है हम पेज को टर्न करके जो भी बातें इन्होंने लिखी हैं ना वो सारी बातें मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर आपको मज़ा आएगा ठीक है अब ये देखिए ये इन्होंने क्या किया है ये इन्होंने हमसे कहा है यूजिंग द प्रोट्रैक्टर प्रोटेक्टर को इस्तेमाल कैसे करें तो सबसे पहले तो आपके पास एक प्रोटेक्टर होना चाहिए तो ये रहा मेरा प्रोटेक्टर अरे अरे गिर गया कोई बात नहीं ये मेरा प्रोटेक्टर है ठीक है ऐसे ही प्रोटेक्टर आपको मिलेगा मेरा आपको मशवरा है कि प्रोटेक्टर ऐसा लीजिएगा जिसमें ऐसी लाइंस बनी हुई हो जैसे मैंने दिखाई ठीक है ये ज़रा लंबी लंबी लाइन्स हैं आखिर तक जा रही हैं डार्क डार्क सी हैं मैं आपको एक और प्रोटेक्टर दिखाता हूँ तो वैसा मत लिया करें वो कहाँ है भाई दिखाओ भाई प्रोटेक्टर लाओ तो ये देखें ये एक बड़ा देखने में बड़ा प्यारा सा प्रोटेक्टर है ज़रा देखिएगा इसको यहाँ रख के इसमें क्या है कि ये जो लाइंस है ना ये पूरी नीचे तक नहीं आ रही ये लाइंस पूरी नीचे तक नहीं आ रही इसमें क्या है देखिए लाइंस नीचे तक आ रही हैं पूरी ये नीचे तक ज्वाइन कर रही हैं लाइंस ठीक है जो नीचे तक आती है ना लाइन्स तो इससे ज़रा थोड़ा सा मेजरमेंट आसान हो जाती है ये बीच में देखें यहाँ गैप गैप सा दिया हुआ है ना लाइन्स के बीच में इसमें मेजरमेंट बड़ी मुश्किल होती है ठीक है तो हम प्रोटेक्टर उठाते हैं अपना और मेजर करके देखते हैं एंगल्स को एंगल कैसे मेजर किया जाता है तो देखिए ये एक वर्टेक्स है यहाँ से एक लाइन जा रही है एक रे जा रही है और एक ये रे ये जा रही है इन रे के बीच में क्या आ, कितना एंगल है ये नापने की कोशिश करते हैं तो देखिए पहले मैं क्या करूँगा पहले मैं देखूँगा कि मेरे वर्टेक्स किधर है और वर्टेक्स से जो मेरा मेजरमेंट का बेस है वो किस तरफ जा रहा है जो नीचे वाली लाइन होती है उसको हम बेस कहते हैं मजे की बात है दोनों में से जिसको चाहो बेस बना लो पहले मैं इसको बेस बनाता हूँ नाम रख देता हूँ मैं इसका क्यू पी और आर तो क्यू पी को बेस बनाता हूँ और क्यू पी किस तरफ को जा रही है राइट को जा रही है तो मेरा जो प्रोटेक्टर है ना इसमें से मैंने राइट की तरफ़ ज़ीरो रखना है तो राइट की तरफ़ ज़ीरो बाहर है अंदर है अंदर है तो फिर अभी मेरे काम आएंगी अंदर वाली मेजरमेंट्स बाहर वाली मेजरमेंट्स काम नहीं आनी बस इसलिए अंदर और बाहर दो मेजरमेंट्स दी हुई हैं कि अगर आपका वर्टेक्स से जो बेस है वो राइट को जा रहा है तो हम राइट को ज़ीरो लेंगे और अगर वर्टेक्स से बेस लेफ्ट को जा रहा होगा अभी मैं करके दिखाऊँगा जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ बल्कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि ये मेरा वर्टेक्स है और मेरा जो बेस बनने वाला है इसको भी मैं पी कह देता हूँ इसको क्यू कह देता हूँ इसको आर कह देता हूँ तो जो मेरा बेस बनने वाला है अगर वो वर्टेक्स से लेफ्ट को जा रहा है तो फिर मैं अब लेफ्ट को जीरो ढूंढूंगा और लेफ्ट को जीरो ऊपर वाले हिस्से में मिल रहा है तो जीरो टेन ट्वेंटी ठीक है तो बरा पहले मेजर कर लेते हैं फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ क्या करना होगा कि जो बेस है ना बेस को इस तरह से मैच करना होगा कि वर्टेक्स से मेरे प्रोट्रैक्टर का वर्टेक्स मैच कर जाए और ये जो नीचे वाली लाइन है बेस लाइन वो इस बेस लाइन से मैच कर जाए बिल्कुल एग्जैक्टली જરા મેં મિલાકે દિખાતા હું યે દેખીએ યે મેને રખા યે મેચ kiya ઓર યે મેને લાઈન કો મેચ કર દિયા મેને ગંદા સુંદરા કર દિયા કોઈ વાત નહીં اچھا મારી લાઈન ભી બડી આડી ટેડી હે તો જરા મે એક દફા સ્કેલ સે કીચ લું એક રુલર સે લાઈન કીચ લું તાકી આડી ટેડી ના હો એંગલ મે ખ્યાલ રખના ચાહીએ ભઈ લાઈન આડી ટેડી નહીં હોની ચાહીએ યે મેને એક બનાઈ ઓર યે મે બીજી બના દેતા હું ઠીક હે ભઈ अब ठीक है तो क्यू पी और आर अब ज़रा देखते हैं कि देखिए मैंने मैं इससे मैच करता हूँ देखिए ज़रा मेरी लाइन वर्टेक्स से तो मैच कर गई लेकिन बेस लाइन बेस लाइन से नहीं मिली तो गलत एंगल आएगा तो बेस लाइन को बेस लाइन से मिलाना ज़रूरी है ये अब मिल गई ठीक है भाई अब ज़रा देखिए कि मेरा एंगल कितना आ रहा है ये ये आ गई तो मेरा चूंकि राइट साइड पे ज़ीरो है तो मैं अंदर वाली साइड से शुरू करूँगा जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ऑलमोस्ट तकरीबन फिफ्टी आ रहा है अभी आप जिस क्लास में है ना तो आप ऑलमोस्ट को काउंट करेंगे अगर फिफ्टी से ज़रा सा कम आ रहा है ज़रा सा ज़्यादा आ रहा है फिलहाल आप उसको फिफ्टी ही समझेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इसको हटा के ये एंगल हमने बनाया और हम कहेंगे दिस इज़ फिफ्टी डिग्री और इसको लिखेंगे कैसे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना था फिफ्टी था सॉरी अंडू करो जरा अंडू कर दिया फिफ्टी डिग्री ठीक है जी तो पी क्यू आर फिफ्टी डिग्री ऐसे निकला अब जरा मैं थोड़ा बड़ा एंगल निकाल के देखता हूँ आपको दिखाता हूँ इसकी की डायरेक्शन भी दूसरी तरफ हो ये हमने एक रे बनाई और दूसरी रे हम ज़रा ऑब एंगल बनाते हैं ऐसे बना दी तो अब क्या है ये बीच का एंगल निकालते हैं कितना है अब देखिए ज़रा और से मैंने ये जो मेरा वर्टेक्स है इसको वर्टेक्स से मैच किया सही एंगल निकल आएगा नहीं निकलेगा इसलिए कि बेस लाइन बेस लाइन से नहीं मिली बेस लाइन बेस लाइन से मिलाई मिल जाओ भाई बेस लाइन ये मिला दी ठीक है अब देखिए ऑलमोस्ट फ़िलहाल तो मैं चूँकि अंदाजे से बना रहा हूँ ना मैं एग्जैक्टली exactly नहीं बना रहा ना आपके तो इसलिए आगे पीछे को माफ़ कीजिएगा फ़िलहाल ये समझ लें कि ये मेरी जो बेस लाइन है वो इस तरफ को जा रही है तो मैं इस तरफ ज़ीरो ढूंढूंगा तो इस तरफ ज़ीरो कहाँ है ज़रा देखना भाई ऊपर है नीचे तो देखें ये ऊपर वाली साइड पे जीरो है तो अब मैं यहाँ से वन ट्वेंटी ट्वेंटी शुरू करूँगा टन ट्वेंटी आप कहाँ आ गया वन थर्टी पर आ गया तो मेरा अभी एंगल कितना है मैं इसको लिखूँगा ये वन थर्टी है डिग्रीज तो इसको मैं लिखूँगा अगर ये भी पी क्यू आर था ये पी क्यू आर क्यों पसंद आता है इतना मैथमेटिशियंस को एक एक्स वाइज ही पसंद आता है एक पी क्यू आर पसंद आता है चलो कोई नहीं एंगल पी क्यू आर इजिक्वल्स टू वन ट्वेंटी डिग्रीज ठीक है बच्चों अच्छा जी अब ये मैंने दो एंगल्स आपको नाप के दिखा दिए फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि जरा बुक को देख लें कि बुक अब हमें आगे क्या कह रही है फिर मैं आगे मज़ीद आपको समझाता हूँ <coughs> क्या कह रहे हैं ये देखिए लुक एट दी एंगल यू वांट टू मेजर इसको देखा आपने एज एक्यूट और अपटीज़ और राइट एंगल देख के बता सकते हैं ये एक्यूट एंगल है नाइन्टी से छोटा देख के ही नजर आ जाता है अच्छा आप लेबल करें इसको ए बी सी ए बी सी लेबल कर दिया अच्छा तो शुक्र है आप क्यू पी पी क्यू आर से बाहर निकले ए बी सी पर आकर ठीक है फिर प्लेस द सेंटर पॉइंट ये वही बात की इन्होंने फिर यहाँ पे आके देखिए सेंटर पॉइंट को मिलाया फिर बेस लाइन को मिलाया पुट द मार्क जीरो अलॉन्ग साइड तो जीरो मार्क हमने लगा दिया अब केयरफुली आप नापिए ये केयरफुली आपने नाप लिया चूँकि बुक में बड़ा छोटा छोटा दिखाया हुआ था यही सब कुछ मैंने आपको कर दिया इन्होंने लेफ्ट साइड वाला पहले नापा अब राइट right साइड को एंगल जो था वो भी नाप के दिखा दिया एग्जैक्टली exactly वही सब कुछ करके दिखाया अब बता दिया कि ये फोर्टी डिग्री आ रहा है वो थर्टी डिग्री आ रहा था ठीक है तो जैसे मैंने करके दिखाया ना ये बुक में वैसे ही हुआ है आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की परेशान होने की जरूरत नहीं है ये तीसरा भी इन्होंने ऐसे ही मेजर करके दिखाया है ठीक है एग्जैक्टली exactly. इतफाक से इनका भी हंड्रेड अच्छा हमारा वन ट्वेंटी आया था इनका वन थर्टी आ गया ठीक है चलो जी आगे चलें ड्रॉइंग अ राइट एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर राइट एंगल कैसे बनता है अब खुद बनाना है ये तो हमने देखे थे ना कि एंगल कौन कौन से थे तो मैं जल्दी से आपको एक राइट एंगल बना के दिखा देता हूँ जल्दी से मैं आपको एक एक्यूट एंगल बना के दिखा देता हूँ और जल्दी से मैं आपको एक अप्यूज़ एंगल बना के दिखा देता हूँ ठीक है तो ये देखिए जी सबसे पहले क्या करते हैं एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं एक बेस लाइन खुद ही बना लेते हैं अच्छा जी आप इस र, र, रूलर से ही बना सकते हैं आप प्रोटेक्टर से ही बना सकते हैं फिलहाल मैं पहली लाइन रूलर से बना देता हूँ अगर नाप के बनाने को कहा भाई तो फिर तो रूलर से ही बनानी पड़ेगी मैं ऐसे ही बना लेता हूँ एक लाइन ठीक है एक लाइन बनाई इसको मैंने यहाँ इसका वर्टेक्स लिया ये इसका एंगल लिया ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा पहले मैं राइट एंगल बना के दिखाता हूँ तो क्या होगा मैं यहाँ पे वर्टेक्स ले रहा हूँ ना तो वर्टेक्स को अपने बेस पॉइंट से मैच करूँगा ये देखिए और से देखिए मैंने बेस पॉइंट को बेस पैंट से मिला दिया ये मिल गई अब ख़राब हो गई अब मिल गई अब बिल्कुल मिल गई ठीक है और ये जो मेरे प्रोटेक्टर में जहाँ नाइन्टी डिग्री आ रहा है वहाँ मैंने एक डॉट लगाया लो भाई बन गया नाइन्टी डिग्री का एंगल रखा और आपस में मैच करा दिया अच्छा भाई लाइन लगाने का उसूल पता है क्या जहाँ आपने पॉइंट लगाया पहले वहाँ पेंसिल रखा करें बाद में रूलर को वहाँ ज्वाइन करवाया करें तो फिर आपकी लाइन ज़्यादा एफरेट दा आएगी ठीक है जब राइट एंगल बनाते हैं ना तो, तो कर्व से नहीं इशू करते राइट एंगल को 90 डिग्री को ऐसे स्क्वायर से शो करते हैं यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री इसको आप ले पी क्यू आर ठीक है हम तो पी क्यू आर ही चलेंगे एक्यूट एंगल बनाना है एक्यूट एंगल 90 से कम होता है फिर एक बेस अब मैं बेस इसी से लगा देता हूँ आसानी के लिए एक मैंने बेस लिया यहाँ मैंने वर्टेक्स लगाया वर्टेक्स के ऊपर मैंने अपना वो रखा प्रोटेक्टर तो रखा ये देखें ख़राब हो गया ये देखें ख़राब हो गया ये एक्यूरेट आ गया वो आ गया भाई ये एक्यूरेट आ गया ठीक है अब इसको मैंने कहा 90 से कम कहीं भी कोई मार्क लगा लें मैं देता हूँ अच्छा ज़ीरो यहाँ से शुरू हो रहा है भाई क्योंकि मैं राइट साइड पर मेरा मेरी रे राइट साइड पे जा रही है तो जीरो राइट साइड से शुरू होगा दिस कि अगर मुझे एक्यूट लेना है तो ऊपर वाले नहीं काउंट होंगे मेरे लिए वन एट्टी वन सेवेंटी मैं नीचे से देखूंगा इनमें नाइनटी से कम कौन सा है सारी नाइनटी से कम एटी सेवेंटी जीरो फोर्टी लगा देते हैं अभी ये फोर्टी कहाँ पर आ रहा है फोर्टी आ रहा है जनाब सही मैच हुआ है पहले देखें मैच सही हुआ है मैच सही हुआ है अब ये फोर्टी पे मैं डॉट लगाता हूँ डॉट पे हम पेंसिल लगा के रखी डॉट पे पेंसिल लगा के रखी इसको मैच किया ऑनलाइन खींच दी इसको रे बना दिया पी क्यू आर इसको एंगल से दिखा दिया बता दिया फोर्टी डिग्री देखेंगे कैसे एंगल पी क्यू आर इजिकॉल्स टू फोर्टी डिग्री जल्दी से मैं एक अपट्यूज़ एंगल दिखाए तो आप दूसरी तरफ ले जाते हैं इसको ताकि क्या आप ये कहें कि एक ही तरफ से दिखा रहे हैं खाली ये मैं इधर ले गया इसकी रे मैंने इधर बनाई ये मैंने बना इसका वर्टेक्स बनाया वर्टेक्स तो थो थोड़ा मोटा कर लेना चाहिए इसमें ना प्रोटेक्टर में देखने में थोड़ा आसानी होती है ये देखिए मैच करा दिया कितना जल्दी मैच हो गया ठीक है वर्टेक्स मोटी नहीं होती ना तो बाद बड़ा मुश्किल से सेट होता है अब मैं मैं एंगल बनाऊंगा अब मेरा जीरो किधर होगा ज़ीरो ये वाला जीरो यहाँ से गिनूंगा क्योंकि मेरी वर्ट मेरा जो रे है इधर तो जा रही है जीरो नाइन्टी तो ये आगे नाइन्टी से ऊपर निकलते हैं तो हंड्रेड्रेड्रे एंड हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी बड़ा मशहूर एंगल है हंड्रेड ट्वेंटी बनाते हैं आप पूछेंगे हंड्रेड ट्वेंटी की मशहूर है बस मशहूर है थर्टी बहुत मशहूर है सिक्सटी मशहूर है नाइन्टी मशहूर है वन ट्वेंटी मशहूर है वन फिफ्टी मशहूर है वन एट्टी मशहूर है क्यों मशहूर है ये बाद में पता चलेगा बड़ी क्लास में जाके ठीक है ये आ गया जी एंगल ये कितना बनाया था जी हमने 120 डिग्री तो उसको लिखेंगे पी क्यू आर इजिकल्स टू एंगल पी क्यू आर इजिकल्स टू वन ट्वेंटी डिग्री दो भाई एक्यूट अप राइट तीनों बनाने सिखा दिए अब बताओ भाई रिफ्लेक्स कैसे बनाते हैं अभी बताते हैं इतनी जल्दी क्या है पहले ज़रा पढ़ तो नहीं इन्होंने और क्या बताया रिफ्लेक्स बनाने का तरीका ज़्यादा चलाकी से होता है वो सीधा सीधा नहीं बनता क्योंकि आपके प्रोटेक्टर में जो दिया हुआ है ना वो 90 डिग्री वन uh, एट्टी डिग्रीज ही दिए हुए हैं रिफ्लेक्स जो है वन एट्टी से बड़ा होता है अब वन एट्टी डिग्री के प्रोटेक्टर से वन एट्टी से बड़ा एंगल कैसे बनाएंगे अभी सिखाएंगे थोड़ी देर में अगर बुक में दिया हुआ हुआ आई डोंट नो आपकी बुक में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ तो ड्राइंग एन एंगल कैसे देखें उन्होंने एग्जैक्टली वही करके दिखा दिया बस एक नज़र डायग्राम देख लें ये बिल्कुल जो मैंने करके बताया था पचास डिग्री का बनाना था पचास डिग्री बना दिया ये इन्होंने जो है वो ंगल uh, वन 130 का बना दिया एक्यूट एंगल 50 का बनाया था अब इन्होंने सवाल दिए भाई ड्रॉ एन एंगल इक्वल इन मेजर टू गिव गिव द इक्वल इन मेजर टू अ गिवन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर से एंगल से ये बना के दिखाइए बना दिया दो बना के दिखाइए दो बना के दिखा दीजिए भाई इसमें क्या मसला है ठीक है ये हो गया ड्रा अंग ड्रॉ एन एंगल ट्वाइस द मेजर टू अ गिवन एंगल एक एंगल ऐसे बनाइए कि थर्टी अगर दिया हुआ है तो थर्टी का डबल बना के दिखाइए तो अब इसको बनाने के दो तरीक़े हैं इसको मैं अभी आपको सिखाता हूँ अच्छा जी अब क्या है कि एक एंगल है जो कि दिया हुआ है इन्होंने उसको उसकी डबल मेजरमेंट का एंगल बनाना है ड्रॉ एन एंगल ट्वाइस द मेजर टू अ गिवन एंगल जितना दिया है उसका डबल बना के दिखाइए अब बुक में पता नहीं क्यों हमेशा चीज़ों को मुश्किल करके सिखाते हैं चले मैं पहले बुक के तरीके से बताया हूँ ये देखिए इन्होंने थर्टी डे, थर्टी डिग्री का एंगल दिया हुआ है थर्टी डिग्री का एंगल फटाफट बना के दिखाता हूँ मैं आपको ये फटाफट बनाया ये यहाँ पर लाइन लगाई ये इसको रे बनाया ये इसका वर्टेक्स मोटा किया ये इस पर हमने अपना प्रोटेक्टर रखा ये ज़ीरो यहाँ से ज़रा किया ये रहा थर्टी ये बन गया जी थर्टी डिग्री का एंगल अच्छा जहाँ आपकी पॉइंट लगे दूनी है कि पॉइंट तक पूरी लाइन पहुँचाएँ आप पॉइंट तक पूरी लाइन ना पहुँचाएँ आप इतनी बना लें कोई बात नहीं ठीक है थर्टी डिग्री का ये एंगल बन गया अब इन्होंने कहा इसका डबल बनाओ अब डबल बनाने का एक तरीका इन्होंने जो बताया बुक में वो क्या है कि भाई आप यहाँ से अब इसको बेस लाइन बनाओ और यहाँ से थर्टी और नाप लो चलो भाई कर देते हैं ये रहा वर्टेक्स और ये रही बेस लाइन ये रहा वर्टेक्स ये मिल गई बेसलाइन लाइन मिल गई मिल गई नहीं मिली मिल गई नहीं मिली मिल गई नहीं मिली मिल गई अरे अब भाई मिल भी जाओ ये अब मिल गई ठीक है तो अब क्या करें रहा थर्टी अब ये ज़ीरो है तो ये थर्टी यहाँ पे पॉइंट लगाया इसको मिला दिया भाई तो अब ये भी थर्टी हो गया ठीक है एक तरीका ये था भाई ज़्यादा आसान तरीका था वो क्यों नहीं कर लिया ये देखिए एक बेस लाइन बनाई हमने इसको रे बनाया वर्टेक्स बनाया थर्टी बनाना था ना ये लो थर्टी पे पॉइंट लगा दिया अब भाई थर्टी का डबल क्या होता है क्या होता है भाई थर्टी का डबल सिक्सटी हाँ सिक्सटी तो सिक्सटी पे भी पॉइंट लगा दो एक ये लो भाई हो गया मसला ख़त्म आप दोनों को मिला दो प्रोटेक्टर से ये थर्टी मिल गया और ये सिक्सटी मिल गया अब पी क्यू आर तो खाली नहीं रख सकते भाई ये हो गया पी क्यू आर एस तो अब हम कहेंगे पी क्यू आर थर्टी डिग्री है एस क्यू पी थर्टी डिग्री है दोनों मिला के सिक्सटी डिग्री है देखो अभी बुक में बनाया हुआ है आप देख लो ऐसे ही बनाया हुआ है ठीक है इन्होंने जो तरीका बनाया था मैंने वैसे ही बता दिया और मैंने अपना तरीका ही बता दिया वो तो ज़्यादा आसान है बहरहाल जैसा बोला जाए वैसा करना चाहिए अच्छे बच्चों की तरह अब इन्होंने फिर बताया कि एक कुछ एंगल दिया हुआ है दूसरा कुछ एंगल दिया है इसमें आपको शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़े उस तरीके की एक क्या दिया हुआ है पचपन एक दिया हुआ है साठ फिफ्टी फाइव और सिक्सटी तो आप एक तरीका कर सकते हैं फिफ्टी फाइव सिक्सटी को प्लस कर लें आपको बताए वन एंड फिफ्टी आंसर आना है तो पहले आप फिफ्टी फाइव बनाएँ फिर यहाँ पर प्रोटेक्टर रखें फिर सिक्सटी बनाएं ऐसे भी कर सकते हैं और दोनों को एक साथ मेजर करके ही बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया था एक्जैक्टली वैसे ही काम भी हो जाएगा अब आते हैं जी मजेदार सी एक्सरसाइज की तरफ फिलिंद द ब्लैंक्स या फिल्म ब्लैंक्स मुझे बताने की ज़रूरत है क्या इतनी आसान आसान सी हैं किसी को मुश्किल लगे तो पूछ लेना भाई इन एंगल एम एन ओ एन इज़ द डैश ऑफ द एंगल जो बीच वाला होता है वो क्या होता है वर्टेक्स होता है ना राइट एंगल इज इक्व टू डैश डिग्री यार ये तो बता दिया दफा अतीफ़ा तो बने दोबारा बता रहा है एन एंगल लेस देन राइट एंगल इज कॉल्ड डैश एंगल ये भी नहीं बता रहा एन एंगल ग्रेटर देन नाइनटी बट लेस देन दें इज कॉल्ड ये भी नहीं बता रहा अ प्रोटेक्टर इज अ डिवाइस टू डैश और डैश एन एंगल मेजर करने या कंस्ट्रक्ट करने के लिए काम आता है तो मेजर और कंस्ट्रक्ट एन एंगल ठीक है ये मुश्किल था इसलिए बता दिया आसान वाले खुद करो भाई स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स अच्छा जी सही है गलत हैं एट्टी डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है वाह भाई वाह ये बताने की जरूरत पड़ेगी जरूरत पड़ेगी बताने की नहीं शाबाश इन पी पी क्यू 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 आर 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 एंड द द आर्म्स ऑफ एंगल जी प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर हैज टू स्केल्स में दो स्केल होते हैं दो तरफ से मेजर होती है अपर स्केल एंड लोअर स्केल हाँ भाई अभी तो दिखाया था एन एंगल ऑफ वन थर्टी बताऊँ कब नहीं बता रहा प्रोटेक्टर हैज अ सेमी सर्कुलर शेप आधा सर्कल का शेप होता है प्रोटेक्टर का ये बताऊँ ये भी नहीं बता रहा तो ठीक है ज़्यादातर तो, तो मैं नहीं बता रहा क्योंकि ज़्यादातर तो मैं पहले बता चुका हूँ बहुत आसान आसानास हैं वीडियो वर्स से देखा करो बच्चों सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्राम द गिवन ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन हैं एंगल मेड बाय द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर एक स्क्वायर अगर हम लेते हैं और ये बात तो पीछे हो गई असल में पहले हम कर चुके हैं कि एक स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं ठीक है एंगल्स मेड बाय द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्रीज इफ़ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एट्टी एंड एक्स वाइज इज फोटी देन पी क्यू आर प्लस एक्सवाइज़ ई लो यार ये क्या हुआ एट्टी प्लस फोटी कर लो क्या आंसर आया वन ट्वेंटी आया वन ट्वेंटी बताओ क्या एक्यूट है अपट्यूज़ है राइट है रिफ्लेक्स right है, है खुद बता दो 90 से बड़ा है वन एट्टी से छोटा है क्या होगा एलम इज देखने से पता चल रहा है ये नाइन्टी डिग्री जो है वो ऐसा होता है नाइन्टी से छोटा ही लग रहा है ना तो खुद बता दो क्या होगा एंड ऑप्ट्यूज़ एंगल इज़ ऑप्टिज़ एंगल क्या होता है ये भी बता चुका है एम ओ एन जो एंगल दिया हुआ है क्या है राइट right है स्ट्रेट है अब ये बुक में ना बता दूँगा थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं कि बहुत एक्यूरेट नहीं बनता बनाना ये चाह रहे थे ऑप्ट्यूज़ देखने में कुछ कुछ लग रहा है नाइन्टी डिग्री तो भाई आसानी है कि आप रख के देख लो भाई कि अगर ये नाइन्टी डिग्री होता तो ये देखें नाइन्टी डिग्री से ये देखें नाइन्टी डिग्री से बड़ा आ रहा है नाइन्टी फाइव लाइन से बहुत बड़ा आ रहा है ये आ रहा है तकरीबन हंड्रेड एंड टेन डिग्री तो ये नाइन्टी डिग्री नहीं है हंड्रेड एंड टेन डिग्री है देखने में ऐसा लगता है तो जब नाइन्टी से बड़ा हो गया वन नाइन से छोटा हो गया तो कौन सा एंगल है बता दो भाई अब इन एंगल्स के नाम बताइए फटाफट बगैर देखे बगैर मेजर किए फटाफट बता दीजिए ये जी है एक्ट है नाइन्टी है जब नाइन्टी होगा तो चकोर बना होगा वैसे ही पास चल जाएगा नाइन्टी है ये क्या है बता दो भाई ये तो पूरी स्ट्रेट लाइन है इसका नाम क्या था बता दो ये पीछे से बड़ा वाला एंगल ना पड़े क्या नाम है बता दो भाई ये नाइन से बड़ा लग रहा है इसको क्या कहते हैं ये नाइन् से छोटा है इसको क्या कहते हैं ये फिर पीछे वाला आ गया तो ये सारे नाम इतनी दफ़ा हो गए मैं इसको एक्सप्लेन क्या करूँ नेम द आर्म्स नाम आर्म्स के नाम बताओ ए बी और बी सी ए बी और सी बी जैसे ही बोलोगे सही रहेगा इसका भी बता दो वर्टेक्स का नाम बता दो लो भाई इतना मुश्किल सवाल इसका इसकी वर्टेक्स बताऊँ क्या होती है एल किसी को बताना नहीं ठीक है बताओगे तो नहीं नहीं शाबाश अच्छा जी ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स एंड लेबल अब ये एंगल बनाओ भाई ई ये कहने का मकसद कोई नाप के नहीं बनाना ई एफ जी को ई एफ जी पर ऐसे ही बना दो एक लेकिन भाई मेरे हाथ की तरह नहीं बनाना टेढ़ा मेढ़ा स्केल से बनाना ओके तो उसका नाम ई e रखो बीच में एफ रखो आँखें में जी रखो देखना चाह रहे हैं कि वर्टेक्स आपने सब बना सही बनाइए या नहीं बनाइए ये सवाल आसान हो गया ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स मेजरिंग मैचिंग द नेम्स ये बनाओ एक्यूट एंगल बनाओ बगैर बगैर प्रोटेक्टर के बनाने हैं सारे बगैर प्रोटेक्टर के एक्यूट कैसे बनाते हैं वो बना लो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाओ एक ऐसे बना दो बन गया एक्यूट एंगल पता है नाइन्टी डिग्री कितना होता है उससे छोटा ही रखना है ठीक है ऑप्टिज़ एंगल बनाओ नाइन्टी से बड़ा रिफ्रेक्स एंगल एक एक्यूट एंगल बना के पीछे से दिखा दो नाइन्टी डिग्री हो गया ठीक है और फिर रिफ्लेक्स एंगल ए आ गया एक एक्यूट एंगल बनाओ पीछे से दिखा दो उसको ये नाइन्टी डिग्री बन गया तो ये सारे सवाल भी आसान हैं आप ख़ुद कर सकते हैं टिक द राइट एंगल्स राइट एंगल कौन से हैं अच्छा मजे की बात है इन्होंने सब पे चकोर बना दिया ताकि आप चकोर देख के ना बता सको कि राइट एंगल कौन सा है तो फिर कैसे बताओगे भाई प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाओगे प्रोट्रैक्टर लेके आओ उसको रखो देखो कौन सा नाइन्टी डिग्री पूरा आ रहा है ये तो नहीं आ रहा ओहो किताब भी ऐसी है इसको देखें तो देखते ये तो वाला तो देखते एक्यूट लग रहा है नाइन्टी से छोटा लग रहा है हाँ नाइन्टी से छोटा है ये तो कोई सेवेंटी वेंटी है ये देखो इसको मिला के देखा ये नाइन्टी से बहुत बड़ा लग रहा है ये कोई हंड्रेड एंड ट्वेंटी है ये देखते हैं मिला के देखते हैं नाइन्टी से ओह हो ये मिल गया नाइन्टी और ये देखते हैं ये तो देखते हैं नाइन्टी है, लग रहा है ठीक है तो दो नाइन्टी हैं दो नहीं है मेजर द एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर अब प्रोटेक्टर लाना है अब प्रोटेक्टर चाहिए आपको तो प्रोटेक्टर लाने से नाप के एग्जैक्टली बताओ ये कितने डिग्रीज है मैं मैं रख के दिखा देता हूँ ना आपके खुद बताना अच्छा ज़रा सा जो फ़र्क आए ना कोई एक डिग्री का आधी डिग्री का दो डिग्री तो इसको नहीं मानना बुक में मैंने पहले बताया कि थोड़ी प्रिंटिंग इतनी एक्यूरेट नहीं होती तो हमारा लिए एक्यूरेट है चूँकि लेफ्ट साइड पे हमारे रे जा रही है तो हम ज़ीरो यहाँ से शुरू करेंगे टेन ट्वेंटी कहाँ जा रहा है भाई किधर जा रहा है ये तकरीबन फोर्टी पे जा रहा है नजर आ रहा है तो फोर्टी डिग्री जो है हमारा इसमें आंसर है ठीक है थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो उसको नहीं माइंड कीजिएगा इसको नहीं मालूम कीजिएगा ये देख लेते हैं कितना आ रहा है ये राइट पर जा रहा है तो राइट को ज़ीरो मानते हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे अगर मैं देखूँ ना देखें ये कोई एक्चुअली जो आ रहा है ना ये तो थर्टी से कुछ ऊपर है थर्टी वन थर्टी टू कुछ लेकिन हम इसको नहीं लेंगे इस फर्क को हमें पता है बुक में थोड़ी सी ऊपर नीचे होता है तो उसको हम थर्टी ही बोल देंगे ओके आगे चलते हैं लुक एट द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द एंगल्स दे शो प्रोटेक्टर को देख के बता दो एंगल क्या यार ये तो खुद ही कर लो इसमें तो बहुत आसान है ये सवाल तो बताने में शर्म आनी चाहिए आपको पूछते हुए भी मेजर द फॉलोइंग क्यों शर्म आ रही है क्या नहीं है बदतमीज़ मेजर अप टूज़ एंगल ये अपल नाप के प्रोटेक्टर से नाप के बता दीजिए कितना है तो भाई ये देखो मैं एक नाप के बता देता हूँ ये रहा ये तकरीबन आ रहा है जनाब ये देखिए हम यहाँ से ज़ीरो चलेंगे तो ये जीरो जाके मैं दौड़ा हुआ वन फोर्टी पर वन फोटी इसको लिखेंगे कैसे ए बी सी इजिकल्स टू वन फोर्टी डिग्रीज ठीक है बाकी भी आप नाप लीजिएगा भाई साफ साफ नहीं लिखा जा रहा कोई बात नहीं समझ तो गए ना अब ये एंगल ए सी ए डी ए ई e, ए एफ नापो और इनके यहाँ पे डिग्रीज लिखो तो कितने एंगल हैं एक दो तीन चार पाँच छः एंगल्स हैं तो ज़रा देखते हैं कहाँ कहाँ से ए बी सी ए बी सी ये रहा मैं आपके दिखाता हूँ ए बी सी ए बी सी आ रहा है जनाब अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आ रहा है फोर्टी और फिफ्टी के तो ए बी सी को हम फोर्टी फाइव कह सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आ जाए ना तो फिर आप फाइव में जाएँ और ए बी डी ए बी डी जो है वो देखें एग्जैक्टली exactly ये रहा ए बी डी ना दिख रहा है आपको ए बी डी ये जा रहा है कहाँ सिक्सटी पे इसका मैं सिक्सटी लिख देता हूँ भाई मिटा देना जिसकी किताब है फिर आ रहा है ए बी ई ये तो साफ है नाइन्टी डिग्री ये भी बताने की जरूरत नहीं है ए बी एफ ये भी आप निकाल लीजिएगा ये सी बी ई बता देता हूँ सी बी ई इंटरेस्टिंग है सी से शुरू करना है बी पे आना है और ई e पे जाना है तो किसी भी एक को अपना बेस बना लो ई e को बेस बना लो और सी को ढूंढ लो कहाँ जा रहा है तो देखो ई e को बेस बनाते हैं तो सी जा रहा है फोर्टी फाइव पे अच्छा मैं सी को बेस बना के दिखाता हूँ सी को बेस बना लो क्या हो गया भाई ये रहा सी को बेस बना लो तो ई e जा रहा है फोर्टी फाइव पे ठीक है तो इसको हम फोर्टी फाइव कहेंगे और दूसरा वाला भी आप ख़ुद निकालिएगा ड्रॉ दीज एंग अब आप एंगल बना दें ये तो आसान सवाल है ए, सारे एंगल्स बनाने सिखा दिए इतनी देर से सिखा रहा हूँ अभी भी नहीं आया तो फिर कब आएगा तो सारे एंगल्स बनाने सिखा दिए अब भाई बना सकते हैं ना आप सारे एंगल जी माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है वेरी गुड फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम सर्कल से बात करेंगे इसको देखिए प्रैक्टिस कीजिए और जितने एंगल बनाने को दिए गए हैं बुक में इससे ज़्यादा बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़